दोस्तों, ओप्पो का रेनो सीरीज का फोन जब भी लॉन्च होता है ना, हाइप बनाकर लॉन्च होता है। ऑफलाइन मार्केट, ऑनलाइन मार्केट, दोनों मार्केट पर आपको सेम डिमांड देखने के लिए मिल जाएगा। रेनो सीरीज का 6 सीरीज का फोन, 7 सीरीज का फोन, दोनों फोन ही हिट हुआ था। 8 सीरीज का फोन जो लॉन्च होने वाला है, 8 सीरीज का फोन भी हिट हो जाएगा। फ्लिपकार्ट पर इसका पोस्टर भी आ गया। 18 जुलाई शायद लॉन्च होने वाला है। अभी भी कॉन्फर्म नहीं है, फ्लिपकार्ट पर कोई भी डेट अलॉटमेंट नहीं हुआ है, बट मान के चलिए 18 जुलाई आपको देखने के लिए मिल जाएगा। रेनो सीरीज का सबसे खासियत है इसका जो कैमरा का सेटअप होता है, फ्लैगशिप ग्रेड का होता है। फ्लैगशिप ग्रेड का आपको सेंसर मिलता है। इस फोन का प्रोसेसर सेक्शन भी बहुत खास होता है, लेटेस्ट आपको प्रोसेसर देखने के लिए मिल जाता है, और डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी भी बहुत खास होता है। इसलिए रेनो सीरीज के लिए बहुत सारा यूजर अभी वेट करके बैठे हैं कब रेनो सीरीज का फोन आएगा और उस फोन को हम परचेस करेंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं बोलने वाला हूं, रेनो सीरीज के अंदर, 8 सीरीज के अंदर दोनों फोन लॉन्च होने वाला है, 8 एंड 8 प्रो। 8 में आपको क्या स्पेसिफिकेशन, कॉन्फर्म क्या स्पेसिफिकेशन देखने के लिए मिलेगा, और इस फोन का प्राइस क्या होगा, ऑफर के साथ आपको क्या प्राइस, आपको अल्टीमेट प्राइस क्या देखने के लिए मिलेगा, सब कुछ एक वीडियो के अंदर मैं कवर करने वाला हूं। और 8 प्रो रिगार्डिंग वीडियो कल आएगा, डेफिनेटली कल मैं लेकर आऊंगा, और कल हम ऑफिशियल स्पेसिफिकेशन साथ उस फोन का प्राइस क्या होगा वो भी हम बोलेंगे। इसलिए वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, वीडियो को अंत तक देखिए, और इस तरह का वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, ओप्पो रेनो 8, जी हाँ दोस्तों, इस फोन के साथ आपको जो डिस्प्ले मिलता है वो है 6.43 इंच का एमोलेड पैनल, 90Hz का रिफ्रेश रेट का सपोर्ट मिल जाएगा। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। कॉम्पैक्ट साइज का डिस्प्ले है और आपको सर्टिफिकेशन HDR 10 प्लस का देखने के लिए मिल जाएगा। मतलब रेनो 8 रिगार्डिंग आपको जो डिस्प्ले मिलता है वो ठीक ठाक है। 8 प्रो इस डिस्प्ले में प्रोनेस आ जाएगा, मतलब डिस्प्ले और भी इंप्रूव हो जाएगा। क्या होगा सब कुछ रेनो 8 प्रो रिगार्डिंग वीडियो में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। दोस्तों, रेनो 8 इस फोन का जो डिस्प्ले का सेक्शन छोड़कर जो कैमरा का सेक्शन है, कैमरा का सेक्शन पर आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है। बैक सेक्शन पर मेन कैमरा है 50 मेगापिक्सल का सोनी का IMX766 का सेंसर आपको देखने के लिए मिल जाता है, मतलब एक फ्लैगशिप का सेंसर है। 4K 30fps तक मैक्सिमम आप लोग वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे। और दोनों यूजलेस कैमरा है वो है 2MP का मैक्रो कैमरा एंड 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा। दोनों कैमरा कोई काम का नहीं है, काम का नहीं है मतलब आप काम चला सकते हो, बट कोई भी उतना अच्छा परफॉर्मेंस आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। इस फोन का जो फ्रंट कैमरा है, आपको साइड पंच होल में 16MP का फ्रंट कैमरा मिल जाता है, और इसमें भी आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे फुल HD मैक्सिमम। दोनों कैमरा में भी आप पोर्ट्रेट वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे, फ्लेयर पोर्ट्रेट जो मोड होता है, बहुत सारा ब्यूटी मोड आप अप्लाई कर पाओगे, बहुत सारा आपको ऑप्शन भर भर के देखने के लिए मिल जाएगा कैमरा एप्लीकेशन में। दोस्तों, इस फोन का जो प्रोसेसर का सेक्शन है, प्रोसेसर का सेक्शन में आपको डायमेंसिटी मीडिया का 1300 प्रोसेसर मिलता है, जो 1200 प्रोसेसर था वन प्लस नॉट 2 में यूज हुआ था और आपको रेनो 7 प्रो में देखने के लिए मिला था। उससे थोड़ा अपडेट है। CPU सेक्शन थोड़ा ओवरक्लॉक होकर आया है, थोड़ा सा ओवरक्लॉक हो गया था। सेम टू सेम लगभग आपको डेली लाइफ पर आपको परफॉर्मेंस देखने के लिए मिल जाएगा, कोई भी फर्क आपको महसूस नहीं होगा। मतलब इक्वल मान के चलिए 1200-1300 सेम टाइप का प्रोसेसर है। बैटरी का सेक्शन पर आपको 4500mAh का बैटरी मिलेगा। आपको इनबॉक्स वन प्लस नॉट 2T की तरह आपको 80 वाट का चार्जर मिल जाएगा। मतलब वन प्लस नॉट 2T जो लॉन्च हुआ है, लगभग आपको 90% स्पेसिफिकेशन उस फोन की तरह ही आपको ये दोनों फोन पर मिल जाएगा। दोस्तों, 80 वाट का चार्जर के साथ आप इस फोन को लगभग 40 मिनट में फुल चार्ज कर पाओगे। और इस फोन का जो सॉफ्टवेयर का सेक्शन है, एंड्रॉइड 12 इनबॉक्स है, कलर OS का 12.1 का सपोर्ट मिल जाएगा, और 3 ईयर्स का आपको मिनिमम सॉफ्टवेयर अपडेट देखने के लिए मिल जाएगा। डुअल स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट है, 3.5mm ऑडियो जैक नहीं है। आपको बहुत सारा सेंसर देखने के लिए मिल जाएगा, मतलब जो सेंसर है आपको सब सेंसर देखने के लिए मिल जाएगा। और इस फोन का जो बिल्ड क्वालिटी है, डिजाइन है, वो भी बहुत खास है। आपको कॉर्निंग ग्लास 5 का प्रोटेक्शन फ्रंट में बैक में देखने के लिए मिलेगा। इनबॉक्सी आईफोन 13 की तरह आपको डिजाइन देखने के लिए मिलता है। और इस फोन का जो वेरिएंट लॉन्च होगा, तीनों वेरिएंट के साथ लॉन्च होने वाला है। 8GB रैम, 128GB इंटरनल मेमोरी, जिसका प्राइस है 29,999 रुपीज। 8GB रैम के साथ 256GB इंटरनल मेमोरी, जिसका प्राइस है 31,999 रुपीज, मतलब 32,000 रुपीज में आपको देखने के लिए मिलेगा। और भी एक वेरिएंट होगा 12GB रैम के साथ 256GB इंटरनल मेमोरी, जिसका प्राइस 34,000 चला जाएगा। मतलब 35,000 में हाईएस्ट वेरिएंट ओप्पो रेनो 8 फोन रिगार्डिंग आप पा सकते हो। और इस फोन के साथ आपको ऑफर भी देखने के लिए मिल जाएगा। बैंकिंग सेक्शन पर आपको 3,000 रुपीज का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा, मतलब 26,999 रुपीज इस प्राइस पर आप ओप्पो रेनो 8 का बेस वेरिएंट ले सकते हो। और इसके साथ आपको एक्सचेंज पॉलिसी भी मिलेगा, क्योंकि जो फोन लॉन्च होने वाला है, बाद में लॉन्च होगा और लॉन्च हो चुका है, सब फोन के साथ ही आपको बैंक ऑफर और एक्सचेंज ऑफर देखने के लिए मिल जाता है, कॉन्फर्म आपको मिलेगा। एक्सचेंज में भी आपको एक्स्ट्रा
2000 रुपीज़ और 3000 रुपीज़ का बेनिफिट मिलेगा। एक्सचेंज के साथ भी आप जा सकते हो और बैंक ऑफर के साथ भी जा सकते हो, दोनों के साथ भी आप जा सकते हो। मतलब मान के चलिए बैंक ऑफर और एक्सचेंज वैल्यू लगाने के बाद आप लोग लिटरली इस फोन को 24,000-23,000 इस प्राइस पर ले सकते हो। मैं एक्स्ट्रा डिस्काउंट लगाने के बाद बोल रहा हूँ, मैं पूरा का पूरा फोन का डिस्काउंट के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि आपका फोन का प्राइस मान लीजिए 5000 है, आपको 8000 रुपीज़ देखने के लिए मिल जाएगा, तो आपको 3000 रुपीज़ इधर एक्स्ट्रा देखने के लिए मिल रहा है। दोस्तों इस प्राइस रिगार्डिंग ये फोन कॉम्पिटिशन पर आ जाता है और ऑफलाइन पर भी आपको ऑफर में मिलेगा और ऑनलाइन पर भी आपको ऑफर देखने के लिए मिलेगा। इसका स्पेसिफिकेशन और इसका प्राइस आपको कैसा लग रहा है आप कमेंट सेक्शन पर कमेंट करके हमको बोलिए। और 8 प्रो का जो स्पेसिफिकेशन होगा इससे थोड़ा सा हायर होगा और उस फोन का प्राइस भी 4000-5000 रुपीज़ और भी ज़्यादा हो जाएगा। उसका रिगार्डिंग वीडियो कल मैं लेके आऊँगा। वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए वीडियो को। और आपका ओपिनियन क्या है 8 सीरीज़ का फोन रिगार्डिंग आप कमेंट सेक्शन पर कमेंट करके हमको बताइए।